यहाँ सफाई का काम तो सारा केजरीवाल करवा रहा है। जनता का रुख केजरीवाल की तरफ है जी, जो इसका काम हो रहा है उसके लिए लोग खुश हैं। कोई दिक्कत अगर हमें हुई है तो उन्होंने हमारी दिक्कत को दूर की है। फर्स्ट नंबर पे केजरीवाल, सेकंड नंबर बीजेपी है, बाकी और सब पीछे हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। आपका नाम क्या है? राजन। मेरा नाम है शाहिद अंसारी। रोशन लाल स्वामी। मनमोहन बाथम। राजन जी, आप ये पटेल नगर विधानसभा से हो? हाँ जी। यहाँ पर आपके एमएलए कौन है? चौहान साहब, हजारीलाल चौहान। ये दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी 2015 से यहाँ पर सत्ता में है, तो किस तरह का काम है उनका? यहाँ सफाई का काम तो सारा केजरीवाल करवा रहा है। अच्छा, बाकी जो है वो कुछ वो भी करवा रहे हैं। बहुत बढ़िया काम रहा है मैडम आम आदमी पार्टी का। उन्होंने काफ़ी काम किए हैं हमारे एरिया के अंदर, पानी है, बिजली है, सड़क है, और जल्दी सुनवाई भी होती है। अच्छा। किसी भी काम को हम लेकर जाते हैं तो जल्दी सुनवाई भी होती है। ये जो ये गटर थे यहाँ पर, कम से कम ये 30-40-50-40 साल करीब हो गए, ये कुछ भी नहीं थे, सब गल गया था। यही पानी हमारे जो पीने के लिए भी नल में इधर आ जाता था, बहुत परेशान थे। अच्छा। अब ये पूरे पाइप डले यहाँ से वहाँ तक, और पहली दफ़ा हुआ जो देखने हैं। कब हुआ ये? ये अभी कोई एक साल हो गया इसको, एक साल यानी कि आम आदमी पार्टी के सरकार में ऐसा हुआ। हाँ, ऐसा हुआ है। किस तरह से बढ़िया, आपको क्या लगता है क्या काम है जो बेहतर किया उन्होंने? सिर्फ पानी लाइन डाली है, सारी रोड डाले हैं। ये आप अपने MLA हजारीलाल चौहान के बारे में बात कर रहे हो? हाँ जी। और सीवर और ये पानी के अलावा भी कुछ काम होगा उनका, जैसे कि अगर आपको कोई ज़रूरत कभी होता होगा तो वो आते होंगे मिलने, या फिर अगर कुछ कंप्लेन आपने किया तो शायद उसका सॉल्यूशन करते हैं, या फिर शायद वो आते ही नहीं? क्या आते ही नहीं है जी वो? हाँ, आते हैं। कभी कोई कंप्लेन की हो आपने, कोई दिक्कत हुआ हो तो शायद आपने बोला हो, और क्या वो काम हुआ कि नहीं? नहीं हुआ ऐसे कोई काम? हाँ, हुआ है, थोड़ा टाइम लगा लेकिन हुआ है काम। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब काम ना हुआ हो, कोई दिक्कत अगर हमें हुई है तो उन्होंने हमारी दिक्कत को दूर की है। उनका काम ठीक है, वही कर रहे हैं एरिया के अंदर। अच्छा, वो आते हैं यहाँ पर? देखो आते तो नहीं है, बाकी ये है काम हो रहा है उनका। अच्छा, तो कभी आपको कोई दिक्कत हुई हो, आपने उनको कंप्लेन किया हो, काम हुआ? नहीं नहीं, कभी कोई कंप्लेंट की दिक्कत ही नहीं, ना हमने कभी कंप्लेंट किया, काम हो जाता है। और दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली सरकार का काम कैसा है? दिल्ली सरकार काम बढ़िया है, लेकिन कोई आता नहीं है भैया। दिल्ली के अंदर देखिए जी, हॉस्पिटल, स्कूल, पानी, बिजली, बहुत अच्छे साधन किए हैं, और आज तक किसी ने किया भी नहीं है। काम तो उन्होंने भी किया, लेकिन जिस तरह की सुविधाएं आम आदमी पार्टी ने हम लोगों को दी हैं, उस सुविधाओं को हमें देखते हुए लगता है कि मतलब आम आदमी पार्टी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। बिजली का बिल है, पानी का बिल है, और हॉस्पिटल्स हैं वगैरह हैं, एजुकेशन है बच्चों की, बहुत अच्छी हो गई है। मतलब पहले से मैंने देखा भी है, मेरे बच्चे पढ़ते भी हैं, और मेरे भतीजे वगैरह भी पढ़ते हैं, भाई के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो मतलब काफ़ी सुधार है। ये तो केजरीवाल जी की मेहरबानी है, मैं आपको सही बताऊं, जो कुछ हर एक सुन लेते हैं, बहुत बारीकी से सुन लेते हैं, ये नहीं कि सुनते नहीं है, तेजराम सुनता है। और अब जो है तेजराम फोर है, अभी वो भी कुछ मदद कर देता है, ऐसी बात नहीं। अभी सड़क के बारे में कल हमारे उससे भी बहुत अच्छे लिंक है, और सारी तेजराम ने तो खैर जितनी पटरी थी ना सारे हटाए फल वाले। अच्छा, ये तेजराम जी किस पार्टी से? ये बीजेपी से। बीजेपी सारे हटाए, इधर हटाए, सफाई करा दी है, जिसकी वजह से कोई परेशानी नहीं हो रही है। दिल्ली में कहते हैं कि बिजली बिल कम हुआ है, आपका हुआ है? बिल आने वाला है, और पीछे जो आया था वो ठीक आया है, और पानी का तो तकरीबन बहुत कम आ रहा है पानी का बिल। हाँ, बिल कम है, मेरा खुद कम आता है बिल। अच्छा, पहले से कम आता है या फिर सिर्फ दूसरे स्टेट से? हम पहले से कम आता है। पहले से कम आता है, क्या लगता है क्या कारण है कि इतना कम होता है यहाँ पर? ये केजरीवाल जी की मेहरबानी है सब। अच्छा। आम आदमी पार्टी की मेहरबानी है सब, ये बिजली का बिल कम आना, और ये सब वही सारी चीज़ें चल रही हैं हमारे घर में, लेकिन हमारा बिजली का बिल अब आधा हो गया है। और पानी का माफ़ हुआ है? पानी का अभी नहीं हुआ। पानी का माफ़ नहीं हुआ, आपका बिल अभी भी आता है? अभी आता है, अभी हमने उस प्रोसेस में है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, हुआ। लेकिन हमें लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि हमने सुनने में आ रहा है कि पानी का बिल माफ़ होने वाला है। यहाँ पर कहते हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है, और वहाँ पर मुफ्त दवाइयाँ हैं, मुफ्त इलाज है, आप कभी गए वहाँ पर? मैं पहाड़ी वाले अस्पताल में जाता हूँ। क्या है वहाँ पर, कुछ सुविधा है या फिर बस ये कहने की बात है? मान जी ये है कि ओल्ड एज है हमारी, सुविधा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले से बेहतर है। बड़ी लंबी दवाइयाँ लाइनों में लगना पड़ता। अच्छा, है, लाइन लंबी होती है, उम्र ज़्यादा है, थक जाता है आदमी। ये पहाड़ी वाला हॉस्पिटल है, यहाँ बहुत बताते हैं, बड़ी सुविधा है दवाइयों की, हर चीज़ की, डॉक्टर बड़े अच्छे अच्छे बैठे हैं। आपने यहाँ के स्कूल का कभी जाके देखे हो? अगर किसी और भी दोस्त या किसी के लिए भी गए हो आप कभी स्कूल में? कहते हैं कि यहाँ पर स्कूल में बहुत बदलाव हुए हैं, तो बदलाव तो है। अच्छा, तो आपने देखा है?
हाँ देखा, भतीजे वगैरह जाते हैं। अच्छा, तो एक ज़माने में आपके भी बच्चे गए होंगे, और अब जो बदलाव है किस तरह का बदलाव है? हमारे टाइम पे कोई इतनी सुविधाएं नहीं थी स्कूल के अंदर, अब ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं। किस तरह से, पढ़ाई बेहतर हुआ है या फिर सुविधा? पढ़ाई भी बेहतर है और बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया हो गया है बच्चों के लिए, और कोई दिक्कत ऐसी नहीं है अब जो हमारे टाइम में थी। हमारे टाइम में इतनी पढ़ाई नहीं होती थी। पढ़ाई के लिए टीचर लोग भी अपने वो कर रहे हैं, अच्छी तरह कर रहे, टीचर लोग भी कर रहे हैं, ऐसी बहुत नहीं है। थोड़ा सख्ती दिखाएंगे तो कैसे नहीं करेंगे, बहुत चेंजिंग हुई, चेंजिंग बहुत हुई है। बदलाव तो बहुत है मैडम, जो पढ़ाई उस टाइम थी वो इस टाइम नहीं है। अच्छा। हाँ, इस टाइम जो बच्चों पे गौर ज़्यादा किए जा रहा है और पढ़ाई अच्छी है। दिवाली के टाइम पर खास के पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, इसको लेकर ऑड इवन की बात फिर से की जा रही है, तो आप कितना सहमत हैं इससे? ठीक है मैम, ऑड इवन से कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी ऑड इवन से, और लोगों की सहूलियत के लिए कोई भी काम अगर सरकार करती हो तो लोगों की सहूलियत के लिए करती हो, और अगर सर किसी को कोई परेशानी है तो मैं नहीं समझता किसी को कोई परेशान होना चाहिए। 2020 में जो चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है जनता का करवट किस तरफ होगा? मैम जनता की करवट तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आम आदमी पार्टी की गुंजाइश ज़्यादा जीतने की, क्योंकि लोगों को सुविधाएं चाहिए और सुविधाएं आम आदमी पार्टी दे रही है, तो इससे लगता है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी। जनता का रुख केजरीवाल की तरफ है जी, जो इसका काम हो रहा है उसके लिए लोग खुश हैं। आम आदमी कोशिश तो कर रहा है, काम कर रहे हैं वो, और बिजली का भी कर रहे हैं, पानी का भी कर रहे हैं, सफाई का भी कर रहे हैं, ठीक है। क्या पार्टी से जी एमएलए तो कभी किसी ने देखा ही नहीं। अच्छा। हाँ, क्यों लोग उसको तो जानते ही नहीं। वोट मिलेगा केजरीवाल को? अगर मैं कहूँ दिल्ली में तीन पार्टियाँ हमेशा ही से रहती है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तो अगर नंबर करने के लिए कहूँ मैं सबसे बेहतर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, तो आप क्या नंबर देंगे उनको? सबसे ज़्यादा बेहतर कौन है फिलहाल? तो मैम आम आदमी पार्टी है, और उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी को। आप तीन नंबर पर? फर्स्ट नंबर पे केजरीवाल, सेकंड नंबर बीजेपी है, बाकी और सब पीछे। मोदी आएगा मेरे ख्याल दिल्ली में, मोदी की सरकार ही बनेगी। अच्छा, दिल्ली में आपको लगता है कि हो सकता है ये आपका ये जो केजरीवाल है ये भी बहुत तरक्की कर रहा है, ये भी आ सकता है।